नमस्कार, पैनोरमल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। ये आज हम स्टार्ट कर किए हैं ईवीएस की पैडागोजी, जो कि सीटेट में पूछी जाती है। तो ईवीएस की पैडागोजी स्टार्ट किए हैं। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं असेसमेंट करने के लिए, इंग्लिश में असेसमेंट बोलते हैं, हिंदी में बोले तो आकलन करने के लिए कौन कौन से टूल्स और टेक्निक प्रयोग हम ईवीएस में कर सकते हैं। किसके लिए? आकलन करने के लिए। तो कोई अगर हिंदी बैकग्राउंड का देख रहा हो तो भी उसे दिक्कत नहीं होगी समझने में, और कोई अगर इंग्लिश बैकग्राउंड का है तो भी उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। दोनों लोगों के लिए वीडियो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसिंग लर्निंग, यह है NIOS की समरी, DLED EVS पेडागोजी, NIOS की समरी है ये। चलिए पहली बात करते हैं असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट, असेसमेंट मतलब हिंदी में आकलन, आकलन यानी किसी का भी ये देखना, असेस करना कि वो किस चीज़ में कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, ये सारी चीज़ों को देखना। तो चलिए देखते हैं असेसमेंट क्या है। टू नॉट कंपेयर एंड रैंक चिल्ड्रेन अगेंस्ट ईच अदर और अगेंस्ट सम फिक्स्ड नॉर्म्स। असेसमेंट क्या नहीं है, यानी बच्चों की तुलना करना या रैंकिंग करना एक दूसरे बच्चों से, यानी आपस में बच्चों को हमें तुलना नहीं करना चाहिए। किसी बच्चे से ये नहीं कहना चाहिए कि देखो वो कितना अच्छा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, या वो पढ़ नहीं रहा है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। या फिर किसी फिक्स्ड नॉर्म, यानी कि जो जैसे मान लीजिए NCF है, करिकुलम डिसाइड कर दिया गया है, या मिनिमम अचीवमेंट होना चाहिए कितना बच्चे का, मिनिमम लर्निंग आउटकम कितना होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में हम ये चेक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर 30% लाना है बालक को पास होने के लिए, तो इस बेस पर हमें असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। असेसमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। तो क्या है ये? टू नॉट कंपेयर एंड रैंक चिल्ड्रेन अगेंस्ट ईच अदर और अगेंस्ट सम फिक्स्ड नॉर्म्स। अगला है इसी में, टू हेल्प टीचर्स टू एनालाइज हाउ वेल ईच चाइल्ड इज एबल टू परफॉर्म, यानी कि टीचर्स को हेल्प करता है कि कैसे उसका बच्चा परफॉर्म कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। टू ट्रैक चाइल्ड प्रोग्रेस, टू प्रोवाइड नेसेसरी फीडबैक टू इंश्योर फर्दर इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर बच्चा कहीं, बालक कहीं कमी हो रही है उसके प्रोग्रेस में, नहीं पढ़ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस उसकी नहीं अच्छी हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो फीडबैक भी मिलता है असेसमेंट से, जिससे कि बालक को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। चलिए असेसमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एनी टूल नोन टू नो द डेप्थ ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसे बोलते हैं अधिगम का आकलन, यानी कि स्टूडेंट ने या शिक्षार्थी ने कितना सीखा है, उसको कितने नॉलेज को गेन कर पाया है, उसको कितनी बात समझ में आई है, इस चीज़ का असेसमेंट करना असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशंस को, डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी टूल की हेल्प से। अब ये टूल कौन कौन से, ये आगे पढ़ेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं। टू नो द डेप्थ ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में कितनी समझ हो गई है, कितना अधिगम उनके तक पहुंचा है, इस चीज़ को मापने के लिए असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब ये था। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये है अधिगम के लिए आकलन। क्या ये? अधिगम के लिए आकलन। इसमें क्या है कि रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट कर दी जा चुकी है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन व्हेन फर्दर एक्टिविटीज फॉर लर्निंग इज प्लान्ड, इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या है कि इन्फॉर्मेशन किसी टूल्स की हेल्प से कलेक्ट किए जा चुके हैं, अब
इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होने के बाद, पिछली परफॉर्मेंस देखने के बाद, नेक्स्ट हमें क्या प्लानिंग करना है, क्या पढ़ाना है, बालक में क्या कमी रह गई है वो अधिगम कंप्लीट करना है, जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होना चाहिए, कम से कम बच्चे बालक कितना सीखना चाहिए वो उस बालक में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बालक इतना सीख पाया है कि नहीं पाया है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे आगे की प्लानिंग करना ही, आगे के अधिगम की प्लानिंग करना ही असेसमेंट फॉर लर्निंग है। दिस इज रेमेडिएशन। रेमेडिएशन मतलब उपचार करना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमने ऑब्जर्व किया है पहले बच्चे को, हमें कहीं कमियां दिखी, उसको दूर करने के लिए हमने नेक्स्ट प्लानिंग की और उसका उपचार किया, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसे, रेमेडिएशन भी बोलते हैं। अब आते हैं असेसमेंट टूल्स कौन कौन से हैं, असेसमेंट टूल्स कौन कौन से हैं। असेसमेंट टूल्स होता क्या, पहले ये समझिए, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेंड थ्रू असेसमेंट टूल्स, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेंड थ्रू असेसमेंट टूल्स, यानी असेसमेंट टूल्स की हेल्प से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दिस इनेबल टू कलेक्ट डेटा, यानी कि असेसमेंट टूल्स की हेल्प से डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। इसके फीचर क्या है, देखिए असेसमेंट टूल्स के, द टूल शुड मैच द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग क्या जैसा आपको अधिगम करना है उसी प्रकार के टूल्स को भी यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप EVS पढ़ा रहे हैं तो EVS के टूल्स यूज करने पड़ेंगे, कहीं आप अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो असेसमेंट करने के लिए इंग्लिश के लिए बने टूल्स को यूज करना पड़ेगा। अगला है, टेस्ट शुड बी वैलिड रिलायबल एंड बैलेंस्ड, यानी जो आप टूल से टेस्टिंग करना चाहते हैं वो वैलिड होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। असेसमेंट टूल्स की एक और खासियत है कि बिगिन विद सिंपलर कॉन्सेप्ट स्लैश क्वेश्चंस, यानी कि साधारण क्वेश्चंस पूछिए, इजी क्वेश्चंस से स्टार्ट कीजिए ताकि बच्चे नर्वस ना हो और टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करें और अपना फुल इफेक्टिवनेस के साथ टेस्ट को कंप्लीट करें। अगला इसी में है फीचर में, ट्राई आउट द टाइमिंग, यानी टाइमिंग पे भी ध्यान रखें कि कितने देर में पेपर कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कितने देर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आइटम्स, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रखें और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रखें, जैसे आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सकते हैं, डिबेट भी करा सकते हैं, क्विज भी करा सकते हैं, तो इस तरीके से दोनों की तरह से आपको टेस्टिंग करना होगा। इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आइटम्स। अब आते हैं टेक्निक्स पे, असेसमेंट टेक्निक्स क्या क्या, अभी हमने पढ़ लिया असेसमेंट टूल्स के बारे में, असेसमेंट टूल्स होते क्या हैं, अब हम पढ़ते हैं असेसमेंट टेक्निक्स। टेक्निक्स इज अ प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ यूजिंग अ टूल, टेक्निक क्या है, एक प्रोसेस या प्रोसीजर है टू यूज और टूल, यानी आप टूल को कैसे यूज करेंगे ये बताता है। अगर आपको टूल चलाना आ गया तो आप एक टेक्निक को सीख गए। क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, ओरल टेक्निक्स, यानी कि ओरल क्वेश्चंस पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, क्विज करेंगे, ड्रामा करेंगे, ये सारे जो वर्जन्स हैं ये किस प्रकार के टेक्निक्स हैं, ओरल, यानी आप किसे ड्रामा करने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं तो वो किस प्रकार के टेक्निक्स में आएगा, ओरल टेक्निक्स। क्विज कराते हैं तो ओरल टेक्निक्स, डिबेट होता है तो ओरल टेक्निक है ये, डिस्कशन करते हैं तो ओरल टेक्निक्स है, अगर आप वाइबा ले लेते हैं बालक का तो ये क्या है, ओरल टेक्निक्स है। इसका एडवांटेज क्या होगा ओरल टेक्निक का, नॉलेज, सब्जेक्ट के नॉलेज को चेक कर सकते हैं, बहुत नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड कॉमन स्किल्स कैन बी इवेल्युएटेड, यानी कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट भी पता चल जाएगा और कॉमन स्किल्स भी पता चल जाएगा। इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी एंड रीजनिंग पावर, यानी कि ओरल क्वेश्चन से बालक की शब्दकोश या वोकैबुलरी में भी इंक्रीजमेंट होगा और उसकी मानसिक परीक्षण या मानसिक शक्ति में भी इंक्रीमेंट होगा। इमीडिएट फीडबैक, यानी बालक को तुरंत फीडबैक मिल जाएगा कि उस पर कमी कहाँ पर है। लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी एग्जामिन्ड एट वन टाइम, तो ये थे एडवांटेजेस। अब इसके लिमिटेशंस देख लीजिए क्या क्या हैं। एग्जामिनेशन ऑफ डिटेल्ड नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स मे नॉट बी डन इफेक्टिवली, यानी कि डिटेल नॉलेज के बारे में नहीं पता चलेगा, जितना आप पूछेंगे उतना ही बालक बताएगा, उसके क्रिटिकल स्किल्स कैसी हैं ये भी नहीं पता चलेगा। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एंड एडवर्टाइजिंग,
यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, नो रिटन रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ये अब तो ओरल टेक्निक पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं रिटन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो एसे टेस्ट, शॉर्ट आंसर टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रेफर्ड फॉर क्वांटिटेटिव असेसमेंट इन ईवीएस। तो क्या था ये, कितने टेस्ट, शॉर्ट आंसर टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये तीनों क्या हैं, रिटन टेक्निक्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिए, प्रेफर्ड फॉर क्वांटिटेटिव असेसमेंट, यानी अगर कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट करना होगा ईवीएस में तो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट किस में क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, रिकॉल टाइप आइटम्स, यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछ लीजिए अब ऑक्सीजन वायु में कितने प्रतिशत होता है, तो ये रिकॉल टाइप क्वेश्चन। इस तरह से रिकॉग्निशन टाइप, मैच द फॉलोइंग, अरेंजमेंट, कंप्लीशन टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलकर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को बनाते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें रिटन टेस्ट में यही कहिए कि डिसएडवांटेज क्या है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, तो ये है मोर टाइम टू कंस्ट्रक्ट। इसमें एटीट्यूड का पता नहीं चलता कि बालक का एटीट्यूड कैसा है, एंड दिस इनकरेज गेसिंग। जैसे कि आप सीटेट का ही पेपर देंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, तब क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे, गेस करेंगे। अगला है परफॉर्मेंस टेस्ट, फोकसेज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का। इट इज एन अजम्पशन दैट रिक्वायर्स एन एग्जामिनी टू एक्चुअली परफॉर्म अ टास्क और एक्टिविटी, यानी कि एग्जामिनी टास्क को परफॉर्म करेगा, ये अजम्पशन है। यानी एग्जाम जब परफॉर्मेंस टेस्ट होगा तो एग्जामिनी को उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। परफॉर्मेंस टेस्ट कैन बी यूजफुल इन असेसिंग लर्निंग इन ईवीएस दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स। ईवीएस में क्या है, स्किल्स को शो अप करना होता है, इसीलिए परफॉर्मेंस टेस्ट भी यहाँ पर कारगर है। एडवांटेज क्या है परफॉर्मेंस टेस्ट का, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यानी अपॉर्चुनिटी है असेसमेंट करने की। कम्युनिकेशन बिटवीन चिल्ड्रेन एंड स्टूडेंट इज हेल्दी, कम्युनिकेशन कैसा होगा, हेल्दी होगा, किसके, टीचर और स्टूडेंट के बीच। बेनिफिशियल यहाँ पे चिल्ड्रेन नहीं होगा, यहाँ पे टीचर होगा, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, टीचर होगा। बेनिफिशियल फॉर असेसिंग लाइफ स्किल्स, कोऑपरेशन, वैल्यूइंग अदर ओपिनियन, असेसिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी बालक में कोऑपरेशन कितना है, कि दूसरों के विचारधाराओं को कितना रिस्पेक्ट करता है और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इन सब चीज़ों का भी असेसमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। अगला है ऑब्जर्वेशन टेक्निक, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं। तो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, सीइंग थिंग्स विद अ पर्पज, ऑब्जर्वेशन मीन्स सीइंग थिंग्स विद अ पर्पज, यानी किसी का भी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो उसका कोई एक पर्पज होगा। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड वैल्यूज, आप किसी को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि आप टीचर हैं, बालक के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उनका एटीट्यूड और वैल्यूज के बारे में पता चलेगा। टूल्स क्या क्या यूज होंगे ऑब्जर्वेशन टेक्निक के लिए, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रेटिंग स्केल्स एंड स्कोर कार्ड्स। तो आइए थोड़ा थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ते हैं, ये क्या है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इसमें है कि अ रजिस्टर विच रिकॉर्ड एवरी इंफॉर्मेशन फॉर ईच चाइल्ड, इट इज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, यानी कि टीचर के पास एक ऑब्जर्वेशन होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें वो सभी बालक का इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है और उसमें सब कुछ, उसकी नेगेटिव, उसकी पॉजिटिव, उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस, उसकी हॉबीज, कहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा है, किस एरिया में उसे जाना चाहता है, इन सारी चीज़ों का वो एक तरीके से कहिए कि रजिस्टर मेंटेन होता है, वो चाइल्ड प्रोफाइल होता है। तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल इज अ रजिस्टर विच रिकॉर्ड एवरी इंफॉर्मेशन फॉर ईच चाइल्ड, इट इज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग क्या है, रेटिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और अ जजमेंट रिगार्डिंग सम सिचुएशन, ऑब्जेक्ट और एन एक्शन, यानी कि
रेटिंग स्केल में एक आपको एक फैक्टर्स पे डिसाइड करना होता है और आप इस पे रेटिंग दे सकते हैं 1 to 5, 1 to 10, ऐसे करके आप रेटिंग दे सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव देखिए यही है 1 to 5 और 1 to 10 नंबरिंग में। अगर ये पूछ ले कि अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, सुंदर, ये सारी चीज़ें अगर रेटिंग दी जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव क्या है, 1 to 5 and 1 to 10 नंबरिंग हो। डिफरेंट फैक्टर्स इसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पर ही रेटिंग स्केल्स को डिसाइड किया जाता है। अगला है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि क्लास की अगर हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो बाद में सुनने के बाद अगर टीचर उस वीडियो ऑडियो को देखता है या सुनता है तो कमियां पता चलेंगी और कहां पे इसको सुधार करने की ज़रूरत है ये पता चलेगा। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर्स में वो क्या करेगा, सुधार कर लेगा अपने टेक्निक्स में, अपने टीचिंग स्किल्स में, अपने कम्युनिकेशन स्किल में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, जहां भी कमी आ रही है उसको अपना सुधार कर सकता है। अब क्या है, अगर कुछ एडिशनल आइडियाज़ हैं अगर असेसमेंट करना है, जैसे EVS में असेसमेंट करना है तो क्या करिए, क्रिएट अ गेम टेस्ट, मतलब एक ऐसा गेम टेस्ट करिए जैसे प्ले विथ वर्ड्स। तो क्या है, गेम है, प्ले विथ वर्ड्स। टेक होम टेस्ट, जैसे आप कह दीजिए कि अपने घर में ऑब्जर्व करिए कितने बच्चे हैं, कितने दादा दादी को क्या लोग कहते हैं, ये सारी चीज़ें। ओपन बुक टेस्ट, यानी कोई आप कुछ ढूंढने के लिए दे दीजिए बालक को उस अपने किताब में से, ओपन बुक टेस्ट। ग्रुप टेस्ट और टेस्टिंग इन पेयर्स, आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रुप टेस्ट क्या है कि ग्रुप में बांट दिया और फिर उसके बाद टेस्ट ले रहे हैं। टेस्टिंग इन पेयर्स, यानी दो बच्चों को एक टास्क दिया जाए उसके बाद उनसे रिजल्ट को देखा जाए कि उन्होंने क्या दिया है। क्या क्या पॉइंट कंसिडर किए करिए जाने चाहिए वाइल असेसिंग वेरियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन EVS। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल असेसिंग वेरियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन EVS, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। वैरायटी ऑफ अप्रोचेज शुड बी अप्लाइड। वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स शुड बी यूज्ड। राइट क्वेश्चंस दैट टेस्ट स्किल्स, यानी वी शुड हैव राइट दोज क्वेश्चन विच आर परफेक्ट टू टेस्ट द स्किल्स विच वी वॉन्ट टू टेस्ट टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एनालिटिकल एबिलिटीज। एनालिटिकल एबिलिटीज बालक की कितनी है उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। टू लर्न अबाउट एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस, यानी कि हाउ मच द चिल्ड्रेन इज क्रिएटिव इन थिंकिंग, यानी क्रिएटिव थिंकिंग बालक में कितनी है, इस चीज़ का भी हमें पॉइंट कंसिडर करना होगा। यानी ऐसा टेस्ट बनाए जो क्रिएटिव थिंकिंग को भी टेस्ट करता हो। टू नो अबाउट इवेल्युएशन स्किल, जजिंग एंड असेसिंग, यानी कि जैसे कि हम कह दें कंपेयर करने के लिए किसी दो वस्तुओं के बीच में दे दें तो कैसा है उसका जजिंग एंड असेसिंग, ये सब। गिव फीडबैक, होने के बाद असेसिंग करने के बाद हम उसको फीडबैक भी दें। तो ये था EVS की पैडागोजी, जो NIOS की बेस्ड समरी है, और ये कंप्लीट होगी, चलती रहेगी हमारे चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये NIOS की समरी इसकी आई है, EVS की आई है, इसी तरह से इंग्लिश की आएगी, हिंदी की आएगी और मैथ की आएगी और सोशल स्टडीज़ का भी आएगा। तो आप देखते रहिए इसको और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। Thank you.